को खूब ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि कुछ समय पहले प्रदेश में आम चुनाव हुए, प्रदेश के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, ले लेना ना, जो जनमत है वो भारतीय जनता पार्टी में मोहन यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में मिला। संविधान की मूल धारणा है कि जो राजनीतिक दल वादे करे जनता के सामने, जो ऊपर ऊपर अपना घोषणा पत्र लेके जाए और उसके आधार पर वोट ले, तो फिर अक्षरशः संविधान की भावना होती है कि उसका वो पालन करे। तो हटा लेना नहीं आ रही। दुख है इस बात का कि प्रदेश के दो महीने की, लगभग एक महीने 45 दिन की जो सरकार है, आज गणतंत्र की बातें और भाषण तो खूब होंगे पर एक शब्द भी उस संविधान की, उस मूल भावना की जो आपने जनता के सामने प्रेषित किया, उस पर आप मूल बात प्रदेश के सामने लेके आए, इस सरकार ने नहीं किया। जो हमारे लिए, मध्य प्रदेश के वासियों के लिए एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न खड़ा करता, देश के जो हालात हैं वो चाहे महंगाई के हो, चाहे बेरोजगारी के हो, जो सामाजिक सर्वधर्म संभाव की भावना इस देश की मूल संविधान की धारणा है उसकी बात हो, मौलिक अधिकारों की रक्षा की बात हो, या जनप्रतिनिधियों के की ताकत की बात हो, इन पर भी संकट गहराता जा रहा है। जो 75 वर्ष की यात्रा में देश के हर राजनीतिक दल के जनप्रतिनिधियों ने, जो पदों पे रहे उन नेताओं ने इसकी रक्षा की, आज वो संकट में। आप देखो कि 145 सांसदों को संसद से बाहर करके कानून पास करवा लेना, ये तो मूल धारणा अभी, अरे ऊपर कर रहा हूँ, विधानसभा से विधायकों को निष्कासित कर देना, ये धारणा नहीं थी संविधान की, ये धारणा भी संविधान की नहीं थी कि जो राजनीतिक रूप से ताकत देती वो संस्थाएं जो स्वायत्त होती है, जो लोकतंत्र की रक्षा करती है, उनको कमजोर किया जाना, ये सब देश के सामने आज इस संविधान दिवस पर प्रश्न है। देश के नागरिकों को विचार करना चाहिए। महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, बेरोजगारी सर चढ़ के बोल रही है, और ये सारी भावनाएं ये बताती है कि लोकतंत्र में जो आम नागरिक है उसको और मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए और इस संकट के लिए लड़ना चाहिए। मैं फिर से एक बार सभी देशवासियों को, गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में झंडा वंदन किया और तिरंगा फहराया। उनके साथ झंडा बंधन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं सहित नेता मौजूद रहे। जीतू ने मध्य प्रदेश कांग्रेस का संदेश पढ़ते हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मध्य प्रदेश समेत पूरे देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, जहां बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। उन्होंने कहा, इसकी मैं बधाई देता हूं। मगर जब बीजेपी ने चुनाव के वक्त में जो अपने संकल्प पत्र में वादे किए थे, वह वादे अभी 2 महीने लगभग बीतने जा रहे हैं और वह पूरे नहीं किए गए, ना ही आज मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उन बातों का जिक्र किया। जीतू ने आगे कहा कि चाहे मौलिक अधिकारों की बात हो या जनप्रतिनिधियों के अधिकारों की बात हो, इन पर भी आज संकट गहराता जा रहा है। 75 सालों में जिन राजनीतिक लोग राजनीतिक पदों पर रहे, उन्होंने देश की और संविधान की रक्षा की, आज उन पर भी संकट गहराता जा रहा है। 145 सांसदों को संसद से बाहर कर दिया, यह तो संविधान की मूल्य धारणा नहीं थी। विधायकों को विधानसभा से निष्कासित कर देना, यह तो मूल धारणा नहीं थी संविधान की। महंगाई सर चढ़कर बोल रही है, जनता को आज अपने मौलिक अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। जीतू ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर झंडावंदन कर सभी को शुभकामनाएं प्रेषित की।